और जी मेरे लिए कुछ नया पार्सल आया है, तो देखते हैं इस पार्सल में क्या है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? जी स्वागत करते हैं हम आपका नए व्लॉग में। इस नए व्लॉग की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हम इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, ये रही हमारे इंस्टाग्राम की आईडी, आप यहाँ पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ हम डेली लाइव आते हैं और आप सबसे ढेरों बात करते हैं। तो जी शुरुआत करते हैं इस नए व्लॉग की। जी आज है 21 अक्टूबर और जी क्या बताएं, शरीर की जो हालत है अभी, मैं अभी कैमरा को जो होल्ड कर रहा हूँ इस टाइम भी इतना दर्द कर रहा है। जी मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया है, 15 दिन हो चुके हैं वर्कआउट स्टार्ट किए हुए। अभी तक जो 14 दिन था, 14 दिन तक उसने कोई भी डंबल सब नहीं उठवाया, लेकिन कल जो है वो डंबल उठवा दिया मुझसे। तो जैसे ही डंबल उठाया भाई साहब, अब शरीर का हालत खराब है। अब देखते हैं पिछली बार क्या हुआ था। अभी तक हम 2 बार जिम ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार जिम ज्वाइन किए थे हम लगभग 4 दिन के लिए और एक बार 7 दिन के लिए छोड़ के चले गए थे, लेकिन इस बार 2 हफ्ता हो चुका है, वो पीरियड ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो उम्मीद करते हैं इस बार हम जिम को नहीं छोड़ें और जितना वर्कआउट करना है कर लें, क्योंकि जी ये देख रहे हैं पेट थोड़ा निकल गया है, थोड़ा सोच रहे हैं अब अपना भी शरीर को थोड़ा सेप वेप दे, थोड़ा सेप सब दे दिया जाए, लेकिन कंडीशन फिर वही है, हम जिम कंटिन्यू कर पाते हैं कि नहीं, बीच में कहीं छोड़ तो नहीं देंगे। ये सारे जलावन वाले लकड़ी हैं जो शाम में हम लोग के यहाँ आरती होती है, तो उसी के लिए है। आप पीछे कुछ गमला सब देख रहे होंगे, तो इस पर एक ब्लॉग भी बनाया था जब हम इसको लगा रहे थे, तो इंतजार कर रहे हैं कि कब इसमें फूल आए। अभी दुर्गा पूजा आ गया है, दुर्गा पूजा के टाइम फूल की काफ़ी ज़रूरत होती है पूजा करते समय, तो लग रहा है अगले दुर्गा पूजा में हमें कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपना ही खुद का फूल होगा अच्छा खासा। अभी तो इतना ही लगाया है यहाँ पर गमला, और भी गमला लगवाना है। और आप में से किसी ने कमेंट किया था कि इसके नीचे ट्रे लगा देने के लिए, अगर ट्रे नहीं लगाएंगे तो छत गंदा हो जाता है, ऊपर से सीलन भी आ जाती है छत में, तो हमने ट्रे भी ऑर्डर कर दिया है, तो ट्रे जब आ जाएगा तो वो भी हम लगा देंगे और फिर चलते हैं अब जी नीचे, अब निकलेंगे अपने वर्कआउट के लिए। ये हमारे साले साहब फूल लेकर के आए थे सुबह सुबह, पिछले 3-4 दिनों से वह फूल पहुंचा दे रहे हैं और आज तो अच्छा खासा फूल दे दिया इन्होंने, तो इस वीडियो के जरिए ही उनको कहते हैं थैंक यू बोलो। सुबह सुबह वो 4 बजे ही फूल तोड़ करके ला के यहाँ दे देता है, सच में है मेरे साले साहब बहुत ही अच्छे। फिर पति देव चले गए अपना वर्कआउट करने के लिए और हम पूजा का बर्तन धोने के लिए आ गए। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये हमारा न्यू वाला किचन है, जो हमारे फर्स्ट फ्लोर पे किचन है ना, वो यूज नहीं हो रहा है अभी, तो हम वहाँ पे पूजा का बर्तन धो लेते हैं अपना। जी फिर हम पूजा का बर्तन धो करके स्नान करने के लिए चले गए, पति देव का भी टाइम हो रहा था आने का, फिर भी हम सोचे कि जल्दी से स्नान करके पूजा का तैयारी करेंगे, तब तक तो पति देव आ ही जाएंगे। और स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सारा फूल हो गया है, तो हम सोचे अड़हुल फूल जितने भी है ना उसी का माला बना लें, तो हमें बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि बहुत सारे फूल थे, और जब फूल होता है तो पूजा करने में और भी मज़ा आता है। जी फिर सारा पूजा का जब तैयारी हमारा हो गया, लेकिन अभी तक पति देव आए ही नहीं थे, तो हम सोचे पति देव को लगता है अब लेट हो जाएगा, तो हम अपना पूजा स्टार्ट कर दिए, क्योंकि हमको खाना बनाना भी था, पूजा करके ही हम खाना बनाते हैं। जब तक मेरा पूजा कंप्लीट होता, लेकिन पतिदेव उधर से आ गए थे अपना जल्दी से स्नान करके, उनका पूजा तो जल्दी ही खत्म हो जाता है, तो वो भी तुलसी माता में जल चढ़ाने के लिए पहुंच गए। जी अभी हम आए हुए हैं छत पर और अभी जिया जो है आरती की तैयारी कर रही है। पता है आपको गोइठा भी हो गया हमको? गोइठा हो गया? हाँ। अच्छा तो मोलू लाया था ना सुबह? मोलू नहीं लाया था, तब कौन करने वाला था ना? अच्छा उसको बोले भैया आपके पास गोइठा है, बोले हाँ क्यों नहीं रहेगा, तो बोले एक दो को दे दीजिएगा ना, हम धूप दिखाते हैं। कौन दे दिया, कन्हैया? हाँ वही 2-3 को जो था। अच्छा वाह। अब देखना कितना अच्छा आग होगा, देख रहे हो आप?
आज मंत्र नहीं पढ़ोगे जिया? बिल्कुल पढ़ेंगे। कौन सा मंत्र पढ़ोगे? हम तुम बस खाली सुहा बोलना लास्ट में, ओम ऐं क्रीं स्वाहा। बगल वाले घर से देख रहा हूँ आरती की आवाज आने लग गई है। ना भी हो जाए ना, ठीक है? जल्दी करो, फिर मंदिर भी जाना है ना। A few moments later. फिर जी जैसे ही हमारे घर में आरती हो गई, आरती खत्म करने के बाद हम लोग निकल लिए मंदिर की तरफ। और जी हमारी तरफ जो है वह छोटी दुर्गा स्थान है और हम लोग अक्सर वहीं पर जाया करते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि चलो बड़ी दुर्गा स्थान भी चले जाते हैं, वहाँ का भी माहौल देखते हैं कि कैसा माहौल है, कैसा वहाँ पर अभी है दुर्गा पूजा के टाइम माहौल सब। तो हम लोग जो है बड़ी दुर्गा स्थान भी चल लिए और जब वहाँ गए तो सच में जी वहाँ अच्छा खासा माहौल दिखा, लगा कि यहाँ पर पूजा की अच्छी खासी तैयारी चल रही है। फिर जी मंदिर पहुँचने के बाद हमने और जिया ने वहाँ पर पूजा अर्चना की और पूजा करने के बाद जी मंदिर गए हैं तो मंदिर जाएं और प्रसाद नहीं खाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम चले गए जी प्रसाद लेने के लिए। भाई देना पतिदेव ने तो हमारा भी प्रसाद खा लिया, हमें थोड़ा सा देकर के सारा खुद खा गए। बिल्कुल जी, प्रसाद होता ही इतना स्वादिष्ट, कैसे रोक सकते हैं अपने आप को। हम आए हुए थे अभी दुर्गा स्थान, दुर्गा स्थान में माता की पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद अब हम लोग निकलते हैं घर की ओर। A few moments later. जी फिर हम लोग घर पहुंच गए और हम खाना बनाने की तैयारी में लग गए। आप में से बहुत लोग बोलते थे कि आप रात का खाना शेयर नहीं करती हैं, तो हम सोचे आज रात का खाना शेयर करेंगे। और आप लोग बहुत लोग का डिमांड था कि आप आलू की भुजिया की रेसिपी शेयर करें, तो आज हम आपको आलू की भुजिया की रेसिपी भी शेयर करेंगे। जी आलू का भुजिया बनाने के लिए चाहिए हमें आलू। आलू को आप धो करके काट लो, काटने के बाद भी आप धो लो। और उसके बाद हम यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी हैं, जब हमारा कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे सरसों तेल, और जब सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे जीरा और कटी हुई हरी मिर्च। जब जीरा और हरी मिर्च हमारा थोड़ा सा पक जाएगा तो उसमें डाल देंगे कटा हुआ आलू, और उसमें थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी पाउडर। आप हल्दी पाउडर का चम्मच तो देख रहे हैं वो वाइट है, जिसका मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि वो हम नमक डाल रहे हैं, उसका कलर ही वैसा है चम्मच का। तो उसको मिला करके हम आलू को ढक के छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, और जब हमारा आलू का भुजिया थोड़ा सा पक जाएगा तो हम उसमें डाल देंगे नमक, कुछ देर के लिए पकने देंगे। और जब थोड़ा सा क्रंची हो जाएगा आलू का भुजिया हमारा, तो बन के रेडी हो जाएगा। The next day. और जी मेरे लिए कुछ नया पार्सल आया है, तो देखते हैं इस पार्सल में क्या है। बहुत दिन से सोच रहे थे मंगवाने का, लेकिन बार बार भूल जाते थे। खुल जाओ सिम सिम, क्या है इसमें, इसके अंदर क्या है? ये रहा मेरा नया पर्स। पत्नी महारानी पीछे पड़ी हुई थी, नया पर्स लेना है, नया पर्स लेना है। कितना अच्छा है ना, उस पुराने पर्स को उठा के फेंक देंगे। अच्छा है ना? चलो अच्छा है, थैंक यू सो मच, वेलकम। और अब आप लोग को एक पुराना वाला पर्स दिखाते हैं, ये देख सकते हो आप। क्या हाल है मेरे कंजूस पति, पैसा खर्च नहीं करते अपने ऊपर, कभी नहीं करना चाहते, पूरा इसका ये देख सकते हैं जी। ये अंग्रेजों के जमाने की पर्स है, बहुत दिन चला लगभग, लेकिन 3-4 साल चला है मेरा पर्स। इसको निकाल के फेंक देंगे। क्या है मेरे पर्स में स्टॉक? अरे मत दिखा ये फोटो, गंदा फोटो। पासपोर्ट के लिए खिंचवाई थे, वीजा के लिए। ये हम जो दिए थे आपको माता रानी का भसन, देख लो कुछ माल वाल से बंदर रहा, वो भी बाहर चल जाएगा। तो जी पर्स में हमें कोई माल नहीं मिला, क्योंकि सारा माल जो है अकाउंट में है, कैश हम कम रखते हैं। ये मत साबित करो कि हम बहुत कंजूस हैं। आप साबित करने की जरूरत नहीं है। अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूले, ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय।
अच्छा बाय नहीं, वीडियो को शेयर करने तो बोले ही नहीं, तो प्लीज आप शेयर कर दीजिएगा। बाय, इस पर रियल वाला बाय ना, ठीक है।